हाँ दोस्तों एप्पल ने इस बार दो आईपैड लॉन्च किए हैं और हमारा बहुत बड़ा वाला काट लिया है हाँ। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एप्पल अक्टूबर के मंथ में लास्ट में कुछ आईपैड लॉन्च करने वाले हैं उसमें जितने भी सारे मैंने उसके स्पेसिफिकेशन जितने भी मैंने बताया था वो सारे जो अभी लॉन्च किया है उसमें एकदम उल्टे पड़ गए हैं Apple इस बार दो iPad लॉन्च किया है एक है iPad 10th generation और एक है iPad Pro Apple ने ये जानकारी अपने प्रेस रिलीज में दी है बात करते हैं पहला प्रोडक्ट की Apple ने हमारा काटा है पहला प्रोडक्ट लॉन्च करके iPad 10th generation पहला बात करते हैं डिजाइन की तो Apple ने जो 2020 में iPad Air लॉन्च किया था वही इस बार iPad 10th generation में थोड़ा सा चिपका दिया है ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की जिसकी डिस्प्ले आती है टेन पॉइंट नाइन इंच इसमें आपको यूएस बी टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि शायद पहले नहीं था इस बार नाइन जनरेशन में नहीं था जो मैं नाइन जनरेशन यूज कर रहा हूँ देख सकते हैं अब वो टाइप सी दे दिया है टेंथ जनरेशन में प्रोसेसर की बात करें तो आई पेड टेंथ जनरसन में एप्पल ने ए फोर्टीन बायोनिक चिप दिया है और जो कि नाइन्थ जनरेशन इसके पिछले साल के मॉडल में ए थर्टीन बायोनिक चिप था जो कि मैं यूज कर रहा हूं अब बात करते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको एडवांस कैमरा देखने को मिलेगा इसमें फ्रंट और बैक दोनों बारह बारह मेगा कर दिया है अथवा लेंसेज के साइज़ थोड़े से बड़े कर दिए गए अब आपको इसमें फ्रंट और बैक दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंसेज देखने को मिलेंगे तो एप्पल ने अपने आई पैड जनरेशन को यूज करने के लिए एक अलग से कीबोर्ड भी निकाला है जिसका नाम दिया इन्होंने न्यू मैजिक कीबोर्ड इसमें आपको वाई फाई सिक्स सपोर्ट देखने को मिलेगा और इन्होंने दो वेरिएंट निकाला है जो कि एक आता है वाईफाई एक है फाइव जी जो कि फाइव जी हमें नाइन जनरेशन में भी देखने को मिला था अगर तो आप आईपेड लेते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आता है पेंसिल तो हम लोग बात करते हैं कि ये पेंसिल कौन सा सपोर्ट करता है इसमें आपको एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा आईपेड में तो इन्होंने टाइप सी कर दिया बल्कि इनका जो फर्स्ट जनरेशन पेंसिल है उनमें इन्होंने अपना पुराना वाला लाइटनिंग पोर्ट ही रखा है तो जिसके लिए ये आपको एक बॉक्स में एडाप्टर भी साथ में देंगे जो कि सिर्फ आपका पेंसिल ही चार्ज कर सकता है फर्स्ट जनरेशन चूना लगा दिया तो इसमें आपको टाइप सी देखने को मिल गया है तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए आप बहुत सारे चीज़ आप इसमें यूज कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल कीबोर्ड यूज कर सकते हैं अपना पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट किसी तरह का भी और चिप जोड़ सकते हैं जो आपके नॉर्मल फोन में टाइप सी आता था वो अब आने लगा है इसमें आपको एक ये मेरा नाइन्थ जनरेशन है तो आपको यहाँ पर एक ऑन ऑफ बटन देखने को मिल रहा होगा लॉक बटन और एक यहाँ पर आपको टच आई देखने को मिल रहा है बल्कि टेंथ जनरेशन जो अभी निकाला है उसमें आपको ये टच आईडी देखने को नहीं मिलेगा ये सीधा आपको पावर बटन में ही टच आईडी दे दिया गया है इसमें एक और चेंजेस आए हैं ये है इसमें आपको कैमरा का प्लेस इस जगह पर देखने को मिलता है और अभी जो आप जनरेशन आया उसमें आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा इसमें आपको चार कलर देखने को मिलेगा ब्लू पिंक सिल्वर येलो इसमें आप फोर के वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं टैबलेट में फोर वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी बात है इसमें आप स्लो मोशन 240 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि और भी अच्छी बात अब बात करते हैं इसकी सेलिंग की तो इसकी बिक्री 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी आपको अगर लेना है तो आपको इसका स्टार्टिंग प्राइस 45,000 से स्टार्ट होगी जो कि आप वेरिएंट बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी तो कमाल की बात यह है कि इसका टेंथ जनरेशन दो सौ वाला का प्राइस आई पैड एयर के लगभग में आ जाती है तो जो हम आई पैड टेंथ जनरेशन दो वाला आईपेड एयर के दाम में लेंगे तो हम आई पैड एयर ही

दाम में भी मिल रहा है जो मैं यूज कर रहा हूं आईपैड नाइन जनरेशन ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता है दोनों में थोड़ा सा आपको कुछ सहना पड़ेगा दोनों में आई पैड टें आई पैड नाइन में पर लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ लगभग एक साल से तो मैं बता सकता हूँ कि ये अपने प्राइस रेंज या फिर यूज के लिए बहुत ही अच्छा है हाँ तो अब बात करते हैं हम लोग आईपेड प्रो इस बार एप्पल ने आई पैड प्रो में क्या चेंजेस किए मैं आपको बता दूँ कुछ चेंजेस नहीं किया इन्होंने क्या किया आईपैड प्रो पिछले मॉडल में इन्होंने M1 चिप दिया था और इस बार इन्होंने क्या किया है सिर्फ M2 चिप डाल दिया है बाकी सारे इन्होंने सेम रखा है गजब बेजती है तो इसमें एक और फीचर्स आपको मिला है एक्स्ट्रा एप्पल पेंसिल होवर सपोर्ट होवर सपोर्ट क्या है मैं बताता हूँ जैसे आपका ये पेंसिल है तो आप इसे बारह एम mm के ऊपर से ही कमांड दे सकते हैं सारे कमांड इनको आप टच भी करने का आपको आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी तो ये इन्होंने कुछ आगे कस्टमर को गुड़बुक बनाने के लिए एक दो फीचर्स निकाल दिया है बाकी सारे इन्होंने पिछला मॉडल ही रखा है सेम टू सेम

कैसा लगा मेरा ये वीडियो एप्पल ने जो दो अभी प्रोडक्ट लॉन्च किए कस्टमर को ब्लॉग बनाने के लिए उसका रिव्यू मैं आपको अभी दिखाया अभी जानकारी दिया और शायद ये प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा आप अगर नाइन्थ छोड़ के टेंथ पसंद कर रहे हैं तो वो क्यों पसंद कर रहे हैं मेरे कमेंट में जरूर बता दे और एम वन छोड़ के एम टू आपको ज्यादा यूजफुल लग रहा है तो क्यों लग रहा है वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नहीं बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले जय हिंद जय भारत